हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज सैटरडे है एंड राइट नाउ द टाइम इज 2 o'clock। एंड अब सब तो समझ ही गए होंगे दैट आई एम इन कार, मतलब हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो आज हम लोग वी आर गोइंग टू एडिसन, ओक ट्री रोड जा रहे हैं। वो एक लिटिल इंडिया ही है जहाँ पे यू कैन गेट इंडियन फूड्स एंड स्पेशली हम लोग जाते हैं ग्रॉसरी के लिए, विच मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो देयर फॉर ग्रॉसरी। एंड खाना भी है, क्लोथ्स एंड ऑल आर देयर, बट क्लोथ्स के बारे में बात ना ही करें तो ही अच्छा है। एंड तो वो काम है एंड और एक प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ वन थिंग, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी, इसको हम लोग बंगाली में नोआ बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द बंगाली मैरिड वोमेन हम लोग ये पहनते हैं, लाइक शाखा पोला बहुत कम लोग ही पहनते हैं, पर नोआ इज समथिंग विच आई थिंक सो मोस्ट ऑफ अस वेयर। तो अभी ये मेरा 16 ईयर्स ओल्ड नोआ है एंड दिस वन योर सासूमा गिव्स यू व्हेन यू गेट मैरिड, और जब अपने पति के घर जाते तो फर्स्ट थिंग सासूमा विल गिव यू दिस वन, लाइक हाथ में पहना देगी। सो दिस इज माई 16 ईयर्स ओल्ड एंड यू नो इफ यू वॉन्ट यू कैन चेंज, पर बहुत जन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दे वेयर दिस वन, लाइक यू कैन चेंज द डिजाइन एंड ऑल, पर मैंने कभी भी कुछ नहीं किया। तो अभी क्या हुआ है, हियर इज ए हुक, आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, अब देख सकते हैं हियर इज ए हुक। तो वो इतना साल से मैं पहन रही हूँ ना, तो वो हुक बहुत ही लूज हो गया है एंड वो हुक एक्चुअली गिर भी गया था, तो फिर सम हाउ वी गॉट इट एंड मैंने अभी फिक्स कर दिया है। तो वही वहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी शॉप है, सो आई एम गोइंग देयर ताकि अगर यू नो वो लोग कुछ ऐसा करके दे कैन मेक इट, लाइक वो लोग फिक्स कर सके। तो वही हम लोग पूछने जा रहे हैं, अगर नहीं होगा देन आई हैव टू वेट कि मैं कब इंडिया जाऊँ, वो जून जुलाई अगस्त में, एंड देन आई हैव टू लाइक मुझे ठीक कराना है, आई विल गेट ए न्यू वन ओनली। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जब मैं गई थी ना, माई सासूमा वॉज सीइंग एंड शी वॉज लाइक तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, कितना साल हो गया है, गेट ए न्यू वन। पर यू नो कभी कभी जब आप जाते हैं नहीं होता है, बट दिस ईयर आई हैव टू डू। एंड राय देखो क्या कर रही है, यू आर डूइंग कट 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 कट, मम्मी टॉक्स अ लॉट राइट, या सो इसीलिए सो बहुत सारा काम है, हम लोग जा रहे हैं एंड डेफिनेटली जाएंगे तो आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू कि हाउ इज दैट प्लेस। मैंने शेयर किया है बहुत बार, बट आज मैं अच्छी तरीके से आप सबको दिखाऊंगी। देखो व्हाट सो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं, फर्स्ट वी विल हैव, क्योंकि हम लोगों ने लंच भी नहीं किया, सो वील हैव लंच एंड फिर हम लोग ग्रॉसरी करने जाएंगे। आ गए हैं एंड फर्स्ट हम लोग मिठाई पे हम लोग खाएंगे, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव टोल्ड मी कि पायल मिठाई ट्राई करो, एंड एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे वी एट वंस, तो इट वॉज प्रीटी गुड। एंड यहाँ पे बिग सिनेमा भी है जहाँ पे ऑल द हिंदी मूवीज आर देयर, लाइक हम लोग बहुत जन बोल रहे थे उरी देखने को, तो यहाँ पे यू कैन फाइंड ऑल द हिंदी सिनेमाज एंड पंजाबी लाइक पिक्चर्स भी आते हैं। तो मिठाई पे हम तीनों ने थाली लिया, पता नहीं हम लोग को क्या हो गया, एंड राय ने मिठाई स्पेशल थाली लिया था, तो इसमें पनीर, दाल, थोड़ा छोले, फिर पूरी, कुछ अचार एंड खीर भी था। एंड मैंने गुजराती थाली लिया था, तो गुजराती थाली में ट्रस्ट मी मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया क्या क्या वेजेस थे, पूरी था एंड मैं सोच रही थी ढोकला होगा, पर ढोकला नहीं था, सेम मेरे लाइक आई ऑल्सो हैड खीर। एंड मेरे हबी ने पंजाबी थाली लिया था, सो ही हैड कुलचा, ये अनियन कुलचा, थोड़ा राइस, फिर पनीर, एंड मिठाई का मिठाईज आर रियली गुड, बहुत अच्छा एंड बहुत तरह तरह के मिठाई है, पर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मिठाई नहीं खाते, तो हम लोग खरीदते भी नहीं है, बिकॉज अगर आप खरीदेंगे तो आपको खाने का मन करेगा। एंड हम लोगों का खाना इज़ ओवर एंड आई गॉट वन मीठा पान, एंड हम लोगों ने ज़्यादा नहीं, जस्ट राय के लिए 6 रसगुल्ला लिया है क्योंकि बहुत अच्छा है,
एंड यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है. एंड लेट मी सी, जब भी मैं खाती हूँ मेरा लिपस्टिक लग जाता है. टुडे इट्स फाइन. सब लोग हंस रहे हैं, पता नहीं. दिस रेवलन का लिपस्टिक बहुत अच्छा, यही है जो कभी भी नहीं लगता है. नहीं तो कुछ भी लिपस्टिक हो, हर वक्त इट गोज हियर एंड देयर. तो अभी हम लोग आ गए हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने. एंड हम लोग सब्जी मंडी में ही आते हैं क्योंकि अब आज सैटरडे है और पटेल ब्रदर्स में बहुत ज्यादा रश रहता है. एंड अभी सब्जी मंडी आते आते लाइक हम लोग को पता है कौन सी चीज कहाँ पे है. एंड आप देख सकते हैं कितनी वेराइटीज के राइस है. ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के राइस आपको मिलेंगे. एंड हाँ, आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक राइस भी मिलते हैं, जैसे कि जीवा इज अ वेरी नाइस कंपनी. फिर ऑर्गेनिक मंत्रा भी बहुत ही अच्छा है. ओ सॉरी, नॉट ऑर्गेनिक मंत्रा, 24 मंत्रा. एंड यहाँ पे इंडिया के सभी टूथपेस्ट मिलते हैं. पता नहीं, मे बी पीपल गेट इमोशनल एंड लगता है कि नो, हम लोग जो सामान इंडिया में यूज करते हैं हम लोग वही यूज करेंगे. एक्चुअली पहले जब हम लोग आते थे हम लोग भी वही करते थे. एंड आप देख सकते हैं कितने वेराइटीज के बर्तन है. स्टील के भी सारे बर्तन मिलते हैं, पर मैंने कभी भी यहाँ से कुछ कभी नहीं खरीदा है. पर क्वालिटीज आर गुड, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि क्वालिटी खराब है, क्वालिटी अच्छा है. शायद मैंने यहाँ से कोपर का 2 बर्तन खरीदा था, वो अच्छा ही है. तो फाइनली हम लोग का सभी लाइक मंथली क्या, ये जो मैंने खरीदा है इट विल गो फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स, स्पेशली ऑल द स्पाइसेस एंड ऑल. बट बहुत सारा सामान मुझे नहीं मिला, स्पेशली ऑर्गेनिक जो जो कंपनी अच्छा था अभी नहीं है. और राइको हिकअप्स हो रहा है. यू वांट टू ड्रिंक वाटर? तो हम लोग का ऑलमोस्ट सभी शॉपिंग हो गया है. एंड जब भी यहाँ पे आओ ना, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रोड के लाइक दोनों साइड पे ऑल द इंडियन शॉप्स आर देयर. एंड डेफिनेटली जब भी मैं आती हूँ आई एंटर ए लॉट ऑफ शॉप्स. स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे बुटीक्स हैं. एंड राय के लिए भी मैंने घाघरा चोली एक बार खरीदा था. फाइनली हम लोग का शॉपिंग, ईटिंग, एवरीथिंग इज ओवर. और अभी हम लोग घर जा रहे हैं. एंड मैंने लाइक वी आक्स, फिर वो लोग बोल रहे हैं कि लाइक अभी रख के जाओ फिर आओ. तो गोल्ड है, यू नो वी डोंट वांट टू टेक एनी रिक्स. तो मैं अभी को बोल रही हूँ छोड़ो, लेट इट बी. अभी देर आर 6 more months, इंडिया जाके हम लोग ठीक कराएंगे. क्योंकि कौन फिर आएगा आफ्टर नेक्स्ट वीक, अगेन वी हैव टू कम. और लाइक इंडिया में इजी होगा, देन आई कैन एक्सचेंज इट. क्योंकि ये बंगाली ज्वेलर्स ना हो ना, मेनी पीपल डोंट नो ऑल्सो दैट हाउ टू डू इट और कैसा होता है. पर इन आज का दिन बहुत ही अच्छा था, स्पेशली मिठाई इज़ वेरी गुड. वो शॉप बहुत ही अच्छा है. हम लोग लौट के आ गए. नाउ द टाइम इज 9. आज बहुत लेट हो गया, बट चलो इट्स फाइन. इट्स कितना हम लोग के घर से, इट्स अराउंड 1 आवर से थोड़ा ज्यादा है. एंड वी गॉट टू, इसको क्या बोलते हैं, कुल्हड़ ही बोलते हैं राइट, चाय पीने के लिए. ऐसा मेरे हबी को बहुत पसंद है ये सब, लाइक दिस ऑल थिंग्स. तो राय बोल रही है कि शी विल कलर. एंड ये सब कितना है, शायद $3 था, तो हम लोगों ने 2 ही खरीदा. एंड आई गॉट ए लॉट ऑफ ग्रॉसरी में, आई डेफिनेटली शेयर विथ ऑल ऑफ यू. बट यू नो, बहुत सारे ब्रांड्स आज नहीं थे, जैसे कि जीवा करके एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, मैंने देखा है वो बहुत अच्छा है, दैट वॉज टोटली नॉट देयर. फिर और क्या था, फिर बहुत सारे ब्रांड्स नहीं थे. पर एनी हाउ क्या करें, यू नो वी लिव सो फार, वी डोंट हैव दिस मच ऑप्शन. जो जो मिला आई गॉट दैट ऑल्सो. जैसे कि पोहा मुझे मिला ही नहीं ऑर्गेनिक, तो मैंने स्वाद का पोहा, आई गॉट स्वाद का पोहा. यू नो अभी क्या कर सकते, नहीं है तो नहीं है, वी कैन डू एनीथिंग. बट जो जो मिला आई गॉट मोस्ट ऑफ द स्टफ. एंड बाकी जो नहीं मिला, देन आई गॉट जो ऐसा ही था, मैं वो ही लेके आई. एंड फिर मैं एक साड़ी की दुकान पे भी गई थी. सो वी वेंट टू 2-3 shops ऐसे ही देखने के लिए, जस्ट टाइम पास के लिए. मुझे खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं था. एंड वहां पे कुछ दे डिडंट हैव आल्सो एनी येलो साड़ी. फिर मैंने बोला कि देखो, जो भी साड़ी मिल रहा था दैट वॉज अराउंड $90, लाइक येल्लो तो एक भी नहीं था.
फिर मैं अगर कैलकुलेट करूँ ना, क्योंकि हम लोग हर साल इंडिया जाते हैं, फिर मैंने मेरे हबी को बोला क्या जरूरत है, इफ आई गो टू इंडिया, स्पेशली बैंगलोर में इतने सारे वेराइटीज ऑफ साड़ी मिलते हैं और सिल्क साड़ी तो बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो आई वॉज लाइक छोड़ो आई वॉन्ट बाई एनी थिंग, आई विल बाई इट फ्रॉम इंडिया ओनली, यहाँ से क्यों खरीदना। तो अभी मैं पता नहीं मैं क्या करूंगी, सब लोग कोई खाना खाएगा भी या नहीं, मैं पूछ लूंगी एंड आई डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी दैट व्हाट आर द ग्रोसरीज आई गॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा मंथली इंडियन ग्रोसरी शॉपिंग। सो यहाँ पे मैंने पीनट खरीदा है एंड ये मुझे ऑर्गेनिक नहीं मिला, तो आई परचेज 2 LB, इट वॉज अराउंड $3। फिर यहाँ पे मैंने काला चना खरीदा है, ब्लैक चना, मुझे पता है कि ब्लैक चना बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, एंड हम लोग जब भी जाते हैं हम लोग बहुत ही बड़ा पैकेट टाटा टी गोल्ड का खरीद के लाते हैं, क्योंकि हम लोग को ये चाय पत्ती सबसे अच्छा लगता है। एंड फिर मैंने थोड़ा रेजेंस खरीदा, दिस वाज अराउंड $5। एंड आप लोग सब लोग बोलते रहते कि पायल एक ऐसा कॉफी मेकर रखो, तो आई गॉट इट एवरी डे, लाइक अगर कभी दूध खत्म हो जाए तो आई कैन यूज इट। मुझे एक्चुअली जब मैं छोटी थी मुझे एवरी डे खाना ऐसे ही खाना बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे ऑर्गेनिक पोहा नहीं मिला, तो व्हाट टू डू, आई गॉट स्वाद का ही पोहा। फिर मैंने बादशाह का एक तंदूरी चिकन मसाला खरीदा। फिर मैंने खरीदा पॉपी सीड्स, एंड ये पॉपी सीड्स अच्छा है, आई हैव यूज्ड इट, लाइक ये भी मुझे ऑर्गेनिक नहीं मिला, अभी क्या करें। फिर मैंने जीवा ऑर्गेनिक का सूजी खरीदा, जीवा इज अ वेरी नाइस कंपनी। फिर गोल्ड मेडल का ऑर्गेनिक मुझे मिला इलायची, सो आई गॉट दैट, लाइक जो जो मुझे ऑर्गेनिक मिला आई गॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फिर मुझे गोल्ड मेडल का, हम लोग अभी थोड़ा चाट मसाला अच्छा लगता है, तो आई गॉट ए ऑर्गेनिक चाट मसाला। दिस ऑल ऑर्गेनिक आर जस्ट फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन, मैं बोल सकती हूँ। फिर ये भी 24 मंत्रा इज वेरी नाइस, सो आई गॉट ऑर्गेनिक टर्मरिक पाउडर, एंड मुझे ये अच्छा लगता है कि सी दे हैव गिवन इन पेपर बैग आल्सो। फिर जीवा का आई गॉट ऑर्गेनिक बेसन, एंड ये मेरा बहुत महीनों तक चलेगा। फिर आई गॉट कश्मीरी चिली पाउडर, शायद मैंने 2 खरीदा है कश्मीरी चिली पाउडर। फिर मैंने 24 मंत्रा का भी मैंने कश्मीरी चिली पाउडर खरीदा। फिर मैंने 24 मंत्रा का ऑर्गेनिक चिली पाउडर भी खरीदा। लाइक मैं जब भी जाती हूँ मैं बहुत सारा सामान खरीद कर लाती हूँ, एंड अभी हम लोग बिस्किट्स बहुत ही कम खाते हैं, तो मैंने ज़्यादा बिस्किट्स नहीं खरीदा, ओनली दिस मच फॉर माई हबी। एंड फिर मैंने एक तावा फ्राई मसाला खरीदा MTH का, ये कभी आप सब्जी बनाए तो यू कैन जस्ट गिव एंड एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छा रहता है। फिर ये एक नया कंपनी है, लाइक पहले मैंने नहीं खरीदा, इंडियाज नेचर ऑर्गेनिक का मैंने मूंग दाल खरीदा, एंड दे आर सेइंग दैट दिस मूंग दाल इज वॉश्ड, तो धोने का ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम लोग तो धोएंगे बिकॉज हम लोग का आदत है हर वक्त कुछ भी डाल पहले हम लोग धोते हैं। फिर मैंने MTR का, दिस इज ब्रिंजल राइस बांगी भात मसाला, ये मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड यू नो कभी कभी जब लाइक क्विक राइस बनाए यू कैन ऐड दिस मसाला। एंड फिर मैंने ये MDH का, ये मैंने एक भरवा करेला मसाला खरीदा, ये भरवा भिंडी में भी मैं यूज करती हूँ, लाइक सभी कुछ में आई यूज दिस मसाला। फिर हम ये एक बंगाली घी है, ये बहुत लाइक पसंद है, ये घी हम लोग बहुत ही कम खाते, इट विल गो मोर देन 6 months फॉर अस, बागाबाड़ी का घी बोलते हैं। एंड फिर मैंने ऑर्गेनिक चना दाल मसाला भी खरीदा, दिस इज फ्रॉम गोल्ड मेडल, पर्सनली मुझे गोल्ड मेडल कंपनी इतना पसंद नहीं है बट क्या कर सकते हैं। एंड फिर मैंने MDH का, ये भी मेरा फेवरेट है पुलाव मसाला, मुझे ये पुलाव मसाला बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये भी खरीदा। फिर नेस्कैफे, मुझे लगा एक कॉफ़ी तो लेना ही चाहिए। फिर शायद हाँ मैंने आपको नहीं दिखाया, फिर मैंने थोड़ा उड़द दाल भी खरीदा, ये भी गोल्ड मेडल का है, ये कंपनी कैसा है मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने थोड़ा शाह जीरा खरीदा, क्योंकि जब आप जीरा राइस बनाते हैं तो शाह जीरा दे तो अच्छा लगता है।
एंड फिर मैंने आलू बुखारा खरीदा ये अब बिरयानी खाए तो दिस आई कीप इन द फ्रिज वंस इन अ व्हाइल एंड मैंने सब्जी बहुत ही कम खरीदा है मैं जब भी जाती हूँ मैं सब्जी बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ ओनली आई गॉट सम मेथी क्योंकि मेरे हबी को मेथी खाना बहुत स्पेशली मेथी साग बहुत पसंद है तो मैं सोच रही हूँ मैं कल बनाऊंगी एंड ये बहुत फ्रेश है एंड फिर मैंने खरीदा है छोटा बैंगन इसमें आप भरवा बैंगन बना सकते हैं और बहुत दिन हो गया मैंने ये नहीं बनाया तो मुझे अचानक से याद आया मैंने इसीलिए खरीदा फिर मैंने ये मैंगो लीव्स है जो हमें थर्सडे को लक्ष्मी पूजा देती हूँ तो ये खट में हम लोग बिठाने के लिए लाइक ऐसा तो मेरे पास नहीं रहता है तो क्या कर सकते हैं बट यू नो एक दिन भी दो तो अच्छा लगता है एंड मैंने थोड़ा कोकोनट खरीदा ये तो लाइक विल कीप इन द फ्रीजर श्रेडेड कोकोनट यूज करेंगे एंड फिर मैंने पान भी खरीदा मुझे पान नहीं मिल रहा है कहा गया एंड मैंने लौकी खरीदा वो आप नीचे देख सकते हैं हाँ मैं पान ढूंढ रही हूँ या फिर मैंने पान खरीदा पूजा के लिए एंड इतना दूर गए तो हम लोग आटा और राइस तो खरीदते ही है तो हम लोग ने 24 मंत्रा का ऑर्गेनिक होल व्हीट फ्लोर खरीदा मैं हर वक्त बहुत महीनों से मैं यही खाती हूँ एंड ये मेरा बहुत दिन चल जाएगा एंड मैंने डियर का ऑर्गेनिक वाइट बासमती राइस खरीदा ये राइस भी बहुत अच्छा है तो मैंने दो लाइक टू पैकेट्स खरीद लिया कि मैं आई गॉट सो मेनी थिंग्स एंड जब भी हम लोग जाते हैं यू नो वी वेस्ट सो मच ऑफ लाइक गैस भी खर्चा होता है यानी पेट्रोल भी खर्चा होता है सो डेफिनेटली वी मेक श्योर कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद कर लाए विच विल लाइक गो फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months एंड वेजीज मैं कभी भी नहीं खरीदती हूँ क्योंकि वेजीज बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं एंड मेनी ऑफ यू नो कि आई प्रेफर बाइंग लाइक लोकल वेजीज जो ऑर्गेनिक होते हैं लाइक ये सब तो नहीं मिलेगा सो मेथी साग मेरे अभी को बहुत पसंद है एंड दिस मेथी साग इज वेरी गुड कोई कोई मेथी साग में ना लाइक बहुत ज्यादा क्या बोलू सॉइल मिट्टी रहता है तो यू हैव टू वॉश सो मेनी टाइम्स एंड फिर भी वो नहीं जाता है सो दिस इज वेरी गुड ये मुझे पटेल ब्रदर्स में मिला सो आई गॉट 3 तो कल मैं बनाऊंगी मेथी साग एंड जब भी मैं कुछ भी सामान खरीद कर लाओ मेरा लाइक फर्स्ट घर में आने के बाद आई डोंट नो माई फर्स्ट इंटेंशन इज कि मैं सब कुछ जगह पे रख दू टू कीप एवरीथिंग इन द प्लेस तो अभी मैं वही कर रही हूँ क्योंकि ना रखू तो मुझे ऐसा लगता है टेंशन लगता है कि कब मैं सब कुछ जगह पे रखूंगी मेरा सभी काम खत्म हो गया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नहीं तो अगर मैं ना रखूँ ना मुझे ऐसा टेंशन लगा रहता है कि कब मैं रखूंगी एंड अभी बहुत लेट हो चुका है इट्स 9:40 अभी क्या कर सकते हैं एंड हम लोगों ने लंच भी बहुत ही लेट किया था वो किसी को भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है सो वी गॉट सम रसगुल्ला फ्रॉम मिठाई आप पता नहीं यू ऑल कैन सी और नॉट बहुत ही वाइट आ रहा है सो वी गॉट सम रसगुल्ला तो एंड मैंने थोड़ा आटा गूंध लिया है तो राय भी बोल रही है रोटी के साथ वो रसगुल्ला खाएगी वो बंगाली में बहुत कॉमन होता है लाइक मुझे लगता है बहुत पहले अभी तो लोग इतना नहीं खाते बट पहले व्हेनेवर वी यूज टू ईट ऐसे हम लोग कुछ लाइक रोटी खाएंगे सब मिठाई तो एक रहता ही था पर अभी तो ऐसा नहीं होता है पीपल आर मोर कॉन्शियस नाउअडेज तो किसी को भी कुछ नहीं खाना है सो माय हबी आल्सो इज सेइंग ही विल हैव वन रोटी राय भी एक ही रोटी खाएगी एंड मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि खाना हेवी था हम लोगों ने बहुत ज़्यादा थाली ले लिया था 3 थाली ले लिया था एंड यू नो द सब्जी अगर आप ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा मसाला देना सो व्हाट इज़ द वेजिस कुछ समझ में नहीं आएगा लाइक मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैंने शायद गुजराती थाली लिया था उसमें वेजीज भी क्या था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया ओनली आई फेल्ट द ऑयल एंड द मसालास पर चलो तब वी वेर हंग्री तो बट देन ऑल्सो ओवरऑल द फूड वॉज गुड तो वही बहुत लाइक फुल हूँ मैं एंड आई डिन हैव टी ऑल्सो मुझे कुछ भी आज खाने का मन नहीं कर रहा था तो अभी मैं सिर्फ वो बना लूँगी एंड देन विल गो टू स्लीप एंड विद दिस आई विल एंड टुडेज वीडियो आई होप सो यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो एंड यू नो अगर आप यहाँ पे यू स्टे इन दैट प्लेस इट इज़ लाइक टोटली आप इंडिया में हैं आप कभी भी इंडिया इतना ज़्यादा मिस नहीं करेंगे बिकॉज जब आप रोड में भी निकलेंगे एंड मेनी ऑफ माई सब्सक्राइबर भी वहाँ पर रहते हैं वेन लाइक तब यू कैन सी ऑल द लाइक आप यू कैन सी ऑल ऑफ आवर पीपल एंड shops also you can find जो भी आपको खाने का मन है
बट हम लोग का ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत थोड़ा दूर रहते हैं, पर फिर भी हम लोग जा सकते हैं, तो जब भी जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है. एंड आई होप सो यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो. एंड मेरा बाल वियर्ड लग रहा है, तो अगर एंजॉय किया है तो एक लाइक तो बनता ही है. एंड या दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम और जिसको मेरा चैनल पसंद आ रहा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. बाय बाय.